केंद्र में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद अब भाजपा झारखंड प्रदेश में जीत के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। एक प्रेस वार्ता के दौरान देवघर में भाजपा नेता संजय आनंद झा ने कहा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास के अगुवाई में झारखंड प्रदेश में 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए रणनीति बना चुकी है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव पांव-पांव कार्यक्रम चलाने जा रही है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर झारखंड सरकार के द्वारा किए गए कामों की सराहना करेंगे और राज्य में बीजेपी की सरकार बने इसको लेकर लोगों के बीच जाएंगे। यह समूचे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अब अगले मिशन में लग रहे हैं और झारखंड में भी अब डबल इंजन की सरकार बनाना है। यह हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का एक प्रण है कि हम लोग कम से कम 2/3 बहुमत से झारखंड में अगली सरकार बनाएंगे। इस निमित्त अब गांव-गांव पांव-पांव योजना भी चलना है और अगले 4 महीने की योजना भी हमारे संगठन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से भी बनाई जा रही है, जो लोगों को बहुत जल्द ही आप लोगों को पता चल जाएगा। और निश्चित तौर पर रघुवर दास जी के नेतृत्व में